एक्वास्टार नहीं है क्या? कर लिया ये एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। ओम शक्ति प्लाजा शहर के बीचों बीच खोला गया एक नया फैंसी शोरूम है, जहां पे लेडीज के लिए डिफेंस वैरायटीज के ज्वेलरीज, बैंगल्स, बैग, नेल पॉलिश और कॉस्मेटिक के वाइड रेंज कलेक्शंस अवेलेबल है। और यहां पे बच्चों के लिए टॉयज एंड फैंसी आइटम्स अवेलेबल है। और यहां पे रेंटेड बेसिस पे गोल्ड कवर ज्वेलरीज भी दी जाती है। ओम शक्ति प्लाजा, अबुडीन बाजार, बाबू लाइन, नियर गणेश टेम्पल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को और हमारे दर्शकगणों को मेरा हार्दिक नमस्कार। आज मैं जो है आपके समक्ष आया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय लेके, जो कि हमारे आइलैंड्स के निवासियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और इसी बात को समझते हुए कुछ साल पहले जो है हमारे एविएशन मिनिस्ट्री से एक स्कीम का इंट्रोडक्शन किया गया था, जिसका नाम था उड़ान। ये उड़ान का मेन मकसद यही था कि उड़े देश का आम नागरिक। ये इस विषय को जो है इस आइडिया में लिया गया था कि हमारे अभी फास्ट ट्रैक ज़िंदगी हो चुका है। अभी हमारे जितने भी ट्रेडिंग्स हो रहे हैं, जितने भी बिजनेसेस हो रहे हैं, जितने भी ज़रूरतमंद के चीज़ें हैं, वो कितनी जल्दी से जल्दी हम एक दूसरे को मुहैया करा सकें। और एक डेवलपमेंट के लिए एक साइन होता है कि हाँ, वी आर डेवलपिंग या वी आर डेवलप्ड। तो ये सब चीज़ मद्देनज़र रखते हुए हमारे समाज, हमारे गवर्नमेंट, हमारे देश जो है आगे बढ़ता है। और हर एक एजुकेशन ले लीजिए, इंजीनियरिंग ले लीजिए, हर एक सेक्टर जो है इसी बात को दिमाग में रख के एक ऊंचाई को पाने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन बहुत ही तकलीफ़ होती है ये समझ कर कि ऐसे ऐसे स्कीम्स होते हुए भी कुछ कुछ रीजन को, कुछ कुछ जगहों को जो है वंचित रखा जाता है। जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में उड़ान स्कीम का बहुत बड़ा एक पहल शुरू हुआ था, आप सभी को पता होगा, और कई मीडिया भी इसको सामने लाए थे। तो अचानक से ऐसा क्या हो गया कि वो सारे बातें, वो सारे प्रॉमिसे, वो सारे सपने जो है ठंडे बस्ते में बंद हो चुका है। तो हम आज आप इस चैनल के द्वारा आप सभी से ये बात को रखेंगे कि उड़ान स्कीम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम पहले भी बोल चुके हैं और आप सभी जानते हैं कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एक पीस आइलैंड्स है, जिसका कनेक्टिविटी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आइलैंडर्स के लिए, उनके बिजनेस के लिए, उनके हेल्थ के लिए, उनके डेली लाइफ में काफ़ी सारा चीज़ ऐसा है जो कि हमारे ट्रांसपोर्टेशन में डिपेंडेंट रहता है। तो उड़ान स्कीम एक ऐसा स्कीम था जिसमें हमारे तीनों रीजन, जैसे कि पोर्ट ब्लेयर हो गया, डिगलीपुर हो गया और कार निकोबार हो गया, ये तीनों सेक्टर हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का मेजर रीजन्स है जिसमें कनेक्टिविटी का बात चला था। और इस बात में आपका जो है काफ़ी प्राइवेट लोग जो है इन्वॉल्व होना चाहते थे। इसमें आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता था, इसमें आपका इकोनॉमिकल ग्रोथ भी होता है, और प्लस हमारा जितना भी आइलैंडर्स है उनको एक इतना स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट मिलता है कि दूर दराज के क्षेत्र होते हुए भी उनको एक एहसास रहता है कि हाँ, हम कुछ ही मिनटों में या कुछ ही घंटों में अपने चहिदे जगह पर जा सकते हैं इनसाइड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और हमारे कनेक्टिविटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और हमारे पास जो है कोई भी सेक्टर ले लीजिए, अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड कनेक्टिविटी को लेकर हर एक सेक्टर में कुछ ना कुछ खामियां रहती है, भले वो कितना भी हम आवाज़ उठाए, कितने भी एविडेंस के साथ में हम सामने आए, लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि
पब्लिक हित में जो भी डिसीशंस और आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करना चाहिए वो यहाँ पर होता नहीं है। इसमें बहुत ही नज़र रखना ज़रूरी है। और जब तक हमारे लोग, हमारे लोकल लीडर्स और अंडमान के हित के बारे में सच में सोचने वाले लोग अगर इस बात को लेके आज आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हम ऐसे ही कई सालों तक वंचित रह जाएंगे कई फैसिलिटीज़ और कई मुद्दों को लेकर जो कि हमारे डेली लाइफ में ज़रूरत है आइलैंड में। और रही बात ये उड़ान स्कीम की, ये उड़ान स्कीम जो है आपका इतना बढ़िया और इतना अच्छा प्लान्ड वे में हमारे तबके जो आपका मिनिस्टर थे उनके द्वारा बनाया गया है, मिस्टर ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, जिनके अंतर्गत जो है उड़ान स्कीम बनाया गया था, प्लस कृषि उड़ान। ये कृषि उड़ान का जो कॉन्सेप्ट है ये भी इतना बढ़िया है, जिसमें हमारे किसान भाइयों के लिए इतना बड़ा चीज़ सोचा गया था कि ट्रेन, बस, शिप्स में ना जाके उड़ान स्कीम में जो एग्री प्रोडक्ट्स है उसको प्लेन्स में जो है ट्रांसपोर्ट किया जाए और बहुत ही मिनिमम पैसों में। तो ये चीज़ हम क्यों अवेल नहीं कर सकते? जो चीज़ कॉस्टली होता है, जो चीज़ कीमती होता है, वो चीज़ अफोर्डेबल नहीं होता है, उसी को लेके तामझाम चलता है, उसी को लेके लड़ाई चलता है, उसी के ऊपर में बातचीत चलता है। जो हमारे पास पॉसिबिलिटी है कमती कॉस्ट में हम अपना सारा काम कर सकते हैं, हमारे पास स्कीम्स है, हमारे पास आइडियाज़ है, हमारे पास सब्सिडीज़ है, हम उसके इस्तेमाल बखूबी से क्यों नहीं कर सकते? उसको प्रमोट क्यों करते हैं? क्यों हमारे अंदर में ऐसा एक मेंटालिटी रहता है कि अरे यार क्या सब्सिडाइज में जाएंगे तो चीप लुक आता है, हमें थोड़ा हाई फाई दिखाना है तो कॉस्टली वाला ट्रांसपोर्टेशन में जाएंगे तब जाके थोड़ा कॉस्ट बढ़ेगा, ये बढ़े। देखिए ये सब जो भी चिंताधाराएँ हैं ये सब हटा के जो भी इफ़ेक्टिव हमारे आम जनता के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए होता है उसको इम्प्लीमेंट जल्द से जल्द करना चाहिए। और सबसे बड़ा बात है इसको लेके कोई नया तरीके से माथापेची करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बना हुआ है, मेरा हाथ में है, आप सब देख सकते हैं, मेरा हाथ में ये जो डॉक्यूमेंट है मेरे पास सारा कुछ है। आप चाहे तो आप इंटरनेट में भी सर्च करके आप ये सारा डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं। यहाँ तक कि सबसे बड़ा बात है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ANC और AAI मतलब अंडमान निकोबार कमांड प्लस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच एक MOU का सिग्नेचर भी हो चुका है। मतलब दे हैव एक्सेप्टेड एंड दे आर रेडी टू गोइंग टू स्टार्ट दिस प्लान इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। लेकिन क्या हो गया उसके बाद? इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये बस पेपर में ऐसी हवा खाएगा और कहीं डस्टबिन में फेंक दिया जाएगा। इसके साथ में हमारे अंडमान एंड निकोबार के डेवलपमेंट और भविष्य जुड़ा हुआ है। हम चाहेंगे कि इस उड़ान स्कीम को जितना जल्दी हो सके फिर से इसके बारे में सोच के जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक प्रोसेस में इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, जिसके लिए हमारे इंटर आइलैंड कनेक्टिविटी बहुत ही स्ट्रांग होगा, हमारे पेशेंट्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए बहुत एक वरदान जैसा साबित होगा हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के लिए। कई बिजनेसेस जो है कई अंडमान के आइलैंडर्स जो है उभर के सामने आ सकते हैं, ट्रेडिंग बिजनेस में आ सकते हैं, कोई भी बिजनेस या फिर कोई भी आवाजाही में जो है एक डेवलपमेंट होगा जो हमें बहुत जरूरत है इस आइलैंड में, खास करके ट्रांसपोर्टेशन, इंटर आइलैंड ट्रांसपोर्टेशन के संदर्भ में इस उड़ान स्कीम का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है और हम चाहेंगे इसको जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करें। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।